सोलो लेवलिंग एक ऐसा एनिमे जो काफी सारे लोगों को पसंद आ रहा है, एक ऐसा शो जो कईयों के लिए एनिमे ऑफ द ईयर है, एक ऐसा सीरीज जिसके पीछे लोग पागल पड़े हुए हैं। क्या ये शो अच्छा है? यस। क्या ये शो ग्रेट है? नो। हेलो गाइस, मैं हूं वंडरवुल्फ एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एनिमे के ऊपर। नाउ जब भी किसी शो के अराउंड काफी ज्यादा हाइप होता है, तब लोगों के एक्सपेक्टेशंस उस शो को लेकर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उस चीज से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर गलती किसकी होती है? फैंस की, जो हाइप के चलते अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा लेते हैं, या फिर स्टोरी राइटर्स की, जिनके पास कुछ भी ऑफर करने को नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर फाइटिंग? मैं बोलूंगा कि यहाँ पर दोनों की ही गलती होती है। पहले सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा चेंसो मैन, एक ऐसी सीरीज जिसके अराउंड इतनी हाइप थी कि इसके हर एक ट्रेलर पर एक दिन के अंदर अंदर 10 मिलियन के ऊपर व्यूज आ जा रही थी। लोग इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट गलत जगह पर चैनल हो रही थी, और इसी के चलते आज लोग चेंसो मैन को ओवर हाइप कहते हैं। यहाँ पर गलती फैंस की है। जिन्होंने भी चेंसो मैन के मांगा को रीड करके रखा है, उन्हें पता है कि चेंसो मैन जुजुत्सु काइसन या फिर डीमन स्लेयर जैसा सिर्फ एक जेनेरिक फाइटिंग एनिमे नहीं है, जो ऑडियंस को अपने तरफ खींचने के लिए फैन सर्विस और फ्लैशी फाइट्स का इस्तेमाल करता हो। चेंसो मैन इज अ शो विच इज नोन फॉर इट्स कैरेक्टर, प्लॉट ट्विस्ट एंड वेल टाइम्ड कॉमेडी, और इन सब चीजों को बिल्डअप करने में टाइम लगता है। चेंसो मैन की मांगा फैंस इसलिए हाइप्ड अप थे क्योंकि उन्हें पता है कि आगे क्या आने वाला है, लेकिन एनिमे ओनली ऑडियंस हाइप को देखकर चेंसो मैन सीजन 1 से वो सब चीजें एक्सपेक्ट करने लगे जो सीरीज के एंड में होने वाला है। दे एक्सपेक्टेड समथिंग लाइक जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर एंड दे डिडंट गेट इट, सो दे डिडंट लाइक इट। तो गलती यहाँ पर राइटिंग की नहीं है, बल्कि फैंस के एक्सपेक्टेशंस गलत जगह पर और गलत टाइम पर चैनल हो रही थी। लेकिन अब अगर हम लोग सेकंड सिचुएशन की बात करें, तो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा सोलो लेवलिंग, जिसके अराउंड काफी हाइप तो है लेकिन इसका कंटेंट कुछ खास अच्छा नहीं है। जब इसका ट्रेलर अनाउंस हुआ था, तब सभी लोग इसको लेकर बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई सोलो लेवलिंग के अराउंड इतना हाइप क्यों है, इसका रीजन क्या है, तो उस तरफ से बस दो जवाब आ रही थी कि भाई इसका आर्ट काफी बढ़िया है, इसका डिजाइन अच्छा है, इसका मेन कैरेक्टर काफी ओपी है और अच्छी फाइट्स है बस। तो इससे मुझे एटलीस्ट समझ में आ गया था कि यहाँ पर डीमन स्लेयर या फिर जुजुत्सु काइसन जैसा कोई एक सीरीज आने वाला है जहाँ पर राइटिंग से ज्यादा फोकस किया जाएगा उसके फाइट्स पर। आई वाज प्रिपेयर्ड सो दैट मेरे एक्सपेक्टेशंस गलत जगह पर चैनल ना हो जाए, बट सरप्राइज सरप्राइज इट स्टिल मैनेज टू डिसअपॉइंट मी। इस शो के पास फाइट्स के अलावा कुछ भी ऑफर करने के लिए नहीं है, बेयर मिनिमम भी नहीं। कैरेक्टर्स काफी शैलो है, उनके मोटिवेशंस बिल्कुल सेंस नहीं बनाती है, कैरेक्टर डिजाइन काफी सिंपल है और बहुत कुछ। फाइट सीन्स जो इसके फैंस के मुताबिक इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, उसके साथ भी स्टूडियो वालों ने बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया है, लेकिन इट्स नॉट ऑल बैड। सोलो लेवलिंग एक बोरिंग शो था जिसको मैं ड्रॉप करने वाला था, लेकिन इसके लास्ट के दो एपिसोड देखकर इस सीरीज को लेकर मेरे मन में थोड़ा सा होप तो जागा है। इससे हम लोग एटलीस्ट कुछ तो अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये वीडियो सोलो लेवलिंग के ऊपर है, तो मैं भी इस शो की तरह इसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स को पहले बोलूंगा और धीरे धीरे इस शो के पॉजिटिव पॉइंट को बताऊंगा लास्ट की तरफ। यानी कि ये वीडियो भी सोलो लेवलिंग की तरह लेवलअप करने वाली है, तो तुम भी प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इसके व्यूज को भी लेवलअप कर दो। ओके, अब शुरू करते हैं। देखो, जब भी हम लोग कोई सीरीज या फिर मूवीज को देखते हैं, तब हमारे उससे बेसिक एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है कि स्टोरी अच्छी हो, राइट? और इस शो में वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब तुम बोल सकते हो कि भाई ये तो एक एक्शन एनिमे है, तो इसमें स्टोरी ना भी हो तो क्या ही फर्क पड़ जाता है। वेल, यही तो गलत चीज है। चाहे तुम किसी भी जॉनरा की मूवीज या फिर शो क्यों ना देख लो, एक बेसिक और सिंपल स्टोरी रहना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, हॉरर, इसेकाई, रोमांस, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, एक्शन, इन सबको चलाने के लिए एक बेसिक स्टोरी रहना चाहिए। और किसने कहा कि भाई एक्शन एनिमे में अच्छा स्टोरी नहीं होता है? नारुतो में तो अच्छा खासा स्टोरी था, रिसेंट में डीमन स्लेयर, हेल्स पैराडाइज, चेंसो मैन, इन सब में अच्छा खासा स्टोरी मौजूद रहता है। लेकिन सोलो लेवलिंग में स्टोरी के नाम पर एमसी हर एपिसोड में मॉन्स्टर को मारता है, उससे लड़ाई करता है और लेवल अप करता है। सोलो लेवलिंग की स्टोरी बहुत ही रिपीटेटिव है, क्योंकि ना ही इसमें अच्छा कैरेक्टर इंटरेक्शन है, ना ही कोई सिंबलिज्म है, ना ही इसमें कोई वेल डिफाइंड थीम है। अगर मुझे सोलो लेवलिंग की स्टोरी को समराइज करना पड़े, तो मुझे सिर्फ कुछ की जरूरत पड़ेगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि संजन, वो एक वीकेस्ट हंटर है जो अपने सेकंड अवेकनिंग के बाद बार बार लेवलअप करते जा रहा है, एंड दैट्स इट। और सोचने वाली बात तो यह है कि जिन्होंने भी सोलो लेवलिंग के मानवा को पढ़ के रखा है, उनका भी ये कहना है कि मानवा के सेकंड हाफ से कहानी काफी ज्यादा रिपीटेटिव हो जाती है। तो तुम सोच सकते हो कि तुम लोग इसके स्टोरी से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात करें इसके कैरेक्टर डिजाइंस को लेकर, तो वो भी देखने में उतना मजा नहीं आता। अगर तुम लोग मानवा से कंपेयर करके देखो, तो एनिमे उसके
के सामने बिल्कुल फीका पड़ जाता है। और क्या तुमने इसके चिन्ह को नोटिस किया है भाई? लिटरली कोई इसे जमीन खोद सकता है। और एक बार के लिए तुम इस गोलेम को देख लो, मानवा में ये कुछ ऐसा दिखता है और एनिमे में ये कुछ ऐसा दिखता है। सोलो लेवलिंग एक एक्शन एनिमे है जिसका मेन फोकस ऑफ कोर्स एक्शन पर ही है, लेकिन क्या सोलो लेवलिंग का एक्शन अच्छा है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके एनिमे डिजाइंस इतने सिंपल दिखते हैं कि उनको देखकर बिल्कुल भी सीरियसनेस वाली फील नहीं आती है। डॉग्स एंड गॉब्लिंस को तो भूल ही जाओ तो बेहतर है, लेकिन ये स्नेक स्पाइडर और थ्री हेडेड डॉग्स का डिजाइन भी बहुत ही सिंपल और बेकार है। तुम एक एनिमे के डिजाइन पर जितना ज्यादा डिटेल्स दोगे उतना ही उनको देखकर डर और सीरियसनेस वाली फील आएगी। लेकिन कैरेक्टर डिजाइन काफी सब्जेक्टिव होता है, किसी को पसंद आती है और किसी को पसंद नहीं आती है, मगर कैरेक्टर राइटिंग और कैरेक्टर डायनामिक कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर स्टोरी में अच्छी होनी ही चाहिए, नहीं तो मतलब और मैं क्या ही बोलूं। देखो दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि कोई भी मेन कैरेक्टर स्टोरी के एंड होने तक मर नहीं सकता, बिकॉज उसके बिना कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो हर किसी को पता होता है कि मेन कैरेक्टर तो मरने नहीं वाला है, मेन कैरेक्टर तो यहाँ पर जीतने वाला है, चाहे वो टॉक नो जुत्सु से हो या फिर हैंड नो जुत्सु। लेकिन जब हम ऑलरेडी जानते हैं कि एमसी मरने वाला नहीं है, तो एओटी, जेजेके, डीमन स्लेयर या फिर चेनसो मैन को देखते वक्त हम डरते क्यों हैं? हमें घबराहट महसूस क्यों होती है? सीरीज को देखते वक्त हमारे आंखों से आंसू क्यों बहते हैं? हम रोते क्यों हैं? हम इसलिए इन इमोशंस को फील कर पाते हैं क्योंकि हमारा एमसी बहुत कुछ खो देता है, मतलब कि साइड कैरेक्टर्स। हर राइटर जानता है कि एमसी के बिना स्टोरी कंप्लीट नहीं हो सकती है, इसलिए वो बढ़िया बढ़िया साइड कैरेक्टर्स को लिखता है जो मेन कैरेक्टर के साथ साथ हम ऑडियंस का भी दिल जीत लेता है। और जब उनके जान के ऊपर खतरा आता है तो हमें घबराहट होती है कि हम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को खोना दें। जैसे कि हम लोगों ने डीमन स्लेयर से रिंगोकू, चेनसो मैन से हिमिनो, नारुतो से जिराया और जेजेके से नानामी के लिए फील किया था। और भाई लोग, तुम ही लोग मुझे बताओ कि क्या तुमने ऐसे इमोशंस सोलो लेवलिंग में किसी भी साइड कैरेक्टर के लिए फील किया है? क्या तुमने इसके लिए वो डर महसूस किया है? क्या तुमने इसके लिए आंसू बहाए हैं? कल अगर इस कैरेक्टर की जान खतरे में पड़ जाती है तो क्या तुम्हें इसके लिए घबराहट महसूस होगी? नहीं ना। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद सोलो लेवलिंग, कि सोलो लेवलिंग संजन वो के अलावा किसी भी साइड कैरेक्टर के ऊपर फोकस नहीं करता है। वी डू नॉट नो देम, कौन है वो, क्यों वो कैरेक्टर्स ऐसे हैं, हम कुछ नहीं जानते। अगर कल को संजन वो की बहन मारी जाती है तो हिरोयुकी सवानो अपने टैलेंटेड म्यूजिक के साथ तुम्हें इमोशनल तो कर देंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि टीवी बंद करने के बाद तुम्हारा सारा गम दूर हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर रिंगोकू जिंदा होता, अगर हिमेनो जिंदा होती, अगर एरेन मिकासा से एक और बार लास्ट टाइम के लिए मिल पाता तो क्या होता, मैं आज भी ये सोचता हूँ। कैरेक्टर राइटिंग स्टोरी टेलिंग का एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कहानी को ऑडियंस के आंखों से ले जाकर उनके दिल तक पहुंचती है। और एक ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट का सोलो लेवलिंग में ना होना सोलो लेवलिंग को बहुत ही शैलो बना देता है। नेक्स्ट, मेरी एक काफी छोटी सी कंप्लेन है इस शो को लेकर, जो कि है इसके साइड कैरेक्टर्स के मोटिवेशंस एंड रीजन बिहाइंड देयर एक्शंस काफी शैलो है। अगेन, इस डोंकी को ही देख लो, इसको चाहिए था जिन्हो का आर्मर, तो वो उन दोनों को धमकी देता है कि अगर जिन्हो सन जिन्हो को नहीं मारता है तो वो उन दोनों को ही मार देगा। पहली बात तो जिन्हो क्यों मारेगा सन जिन्हो को, नहीं पता। अगर तेरे को जिन्हो का आर्मर चाहिए तो उसको मारना, सन जिन्हो के साथ तेरी क्या दुश्मनी है? लॉजिक के हिसाब से इंसान अपने रास्ते से सबसे बड़ी मुसीबत को सबसे पहले हटाता है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। और इस डोंकी के हिसाब से जिन्हो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है जिसने बॉस को डिफीट किया है। तू तो पहले जिन्हो को मारेगा ना, तुझे तो उसका आर्मर चाहिए। और जिन्हो के डोंकी के बात को ठुकराने के बाद डोंकी उससे हंसते हुए बात कर रहा है। और इसी बंदे ने कुछ टाइम पहले कहा था कि अगर उसकी बात को तुम लोग ठुकराते हो तो वो दोनों को मार देगा, और अभी वो हंसते हुए बात कर रहा है। देख भाई, मैंने जिन्हो को मार दिया और हंसते हुए बात कर रहा है। ये बंदा अपने में ही कंफ्यूज है कि इसको क्या करना चाहिए। फिर आता है ये मेगुमी का कॉपी, ये बस लोगों को इसलिए मारता है क्योंकि इसे लोगों को मारने में ज्यादा मजा आता है। क्यों ज्यादा मजा आता है कोई नहीं जानता। और ये इतने दिनों से गिल्ड में काम करते हुए आया है और इनके सीनियर्स को एक बार भी पता नहीं चला कि जिस भी मिशन में ये जाता है उससे कोई भी जिंदा वापस नहीं आता है। ये किस टाइप की चोमू मेंटालिटी है भाई। सेम विद संग जिनवू, हमें बताया तो गया है कि वो अपने मॉम के ट्रीटमेंट के लिए फाइट करता है, लेकिन ये सिर्फ शो में मुश्किल से 5 सेकंड के लिए दिखाया जाता है और बाद में इसका एक बार भी मेंशन नहीं किया जाता, जिससे कि हमें कभी फील ही नहीं होता है कि आखिरकार ये लड़ क्यों रहा है। एवरी अदर एमसी हैज अ पर्पस। तांजिरो लड़ता है अपने बहन को वापस इंसान बनाने के लिए,
शिंजी लड़ता है एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए, नारुतो लड़ता है होकागे बनने के लिए, और संजिन वो किस लिए लड़ता है पता नहीं। इट्स लाइक कि स्पाइडरमैन से अगर तुम पीटर पार्कर को हटा दो तो संजिन वो बाहर निकल के आएगा। और अभी के रीसेंट एपिसोड को देखने के बाद लगता है कि संजिन वो सिर्फ स्टाइलिश बनने के लिए लेवल अप कर रहा है। सीरीज में संजिन वो का अपने मॉम से या फिर अपने बहन के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं दिखाया गया है, जिसे देखकर हमें फील हो कि ये बंदा एक इंसान है, कोई लेवल अप करने वाला रोबोट नहीं। इस कैरेक्टर का कोई भी पर्सनल सफरिंग नहीं है, कोई पसंद या नापसंद नहीं है। कैरेक्टर इंटरेक्शन के नाम पर इसकी बहन सिर्फ लेग पीस चबाती है और ये पास के रूम में जाकर पीकर टल्ली होने की कोशिश करता है। अनदर प्रॉब्लम इज कि हमारे रोबोट एमसी से हटकर अगर कोई दूसरा साइड कैरेक्टर थोड़ी सी इंसानियत दिखाता है, थोड़ा सा राइटिंग दिखाता है, थोड़ा सा सेंस ऑफ रीजनिंग दिखाता है, अपने परिवार के लिए लड़ता है, तो उस कैरेक्टर को तो ये शो सुकुना की तरह काट के रख देता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये सीरीज खुद ही नहीं चाहती कि इसकी राइटिंग अच्छी हो। देयर इज नो पैशन, देयर इज नो विजन, देयर इज नो एग्रेशन, देयर इज नो फकिंग माइंडसेट। अब आते हैं इसके एनिमेशन पर। टू बी ऑनेस्ट, जब इसका ट्रेलर निकला था तब सभी लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा एनिमेशन है, परफेक्ट एडाप्टेशन है ये सब, लेकिन मुझे कभी भी इसका एक्शन उतना पसंद नहीं आया है। इनफैक्ट बहुत ही सिंपल लगा। सच बोलूं तो 6-7 एपिसोड तक इसका एनिमेशन बहुत ही मिड था। आज तक जितने भी सारे अच्छे एनिमेशन वाले शो आए हैं उसके सामने ये एकदम बच्चा लग रहा था। लेकिन इस शो की एक अच्छी बात ये है कि इस शो का एनिमेशन एपिसोड वाइज बेटर एंड बेटर होते जाता है। आफ्टर ऑल इसका नाम सोलो लेवलिंग है, तो सिर्फ मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि एनिमेशन भी लेवल अप होते जाता है। भाई जिसने भी इस आइडिया को दिया ना, उसको मैं सलाम ठोकता हूँ, क्या ही कमाल का आइडिया है। एनीवेज, एपिसोड नंबर 8 में ये एनिमे एनिमेशन के मामले में काफी आगे आ जाता है। इट लुक्स रियली कलरफुल। आई हैव टू से दैट कैरेक्टर डिजाइन भी काफी ज्यादा इम्प्रूव किया हुआ है। द डिजाइन ऑफ इग्रिस वॉज रियली ग्रेट। इस एपिसोड में चोई जोंग इन का आर्मर भी बहुत ओपी दिख रहा था। बाकी सब कैरेक्टर्स के भी आर्मर डिजाइन मुझे पसंद आए हैं। नाउ अगर हम लोग फिर से पुराने एपिसोड्स के एनिमेशन या फिर एक्शन की बात करें तो इस शो में एक्शन सीन्स काफी कम समय तक चलता है और जितना दिखाया जाता है उसमें स्लोमो या फिर स्टिल इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक्शन के नाम पे सिर्फ 2 या 3 सीन्स ही होते हैं जहां पर एक्चुअल मूवमेंट देखने को मिलता है। तुम कोई भी एक्शन एनिमे उठा लो, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु कैसन, उन हर एनिमे में कैरेक्टर्स काफी मूव करते हैं, मारपीट करते हुए दिखते हैं, कभी पंच करते हैं, कभी किक करते हैं, काफी वेल कोरियोग्राफ्ड होता है। लेकिन सोलो लेवलिंग में हमारा एमसी चाकू लेकर चिल्लाते चिल्लाते भागता है। सोलो लेवलिंग्स एक्शन वाज रियली डिसअपॉइंटिंग इन द बिगिनिंग। यहाँ पर एक्शन को अच्छा दिखाने के लिए फ्लैशी कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर अच्छा एक्शन देखना है तो निंजा कामुई को देख लो, तब पता चलेगा कि अच्छा एक्शन किसे कहते हैं। ये सब थी मेरी कंप्लेंट्स अंटिल आई वॉच्ड एपिसोड नंबर 11 एंड इट ब्लू माय माइंड। जितना ओपी इग्रिस का इंट्रो था उतना ही ओपी उसका डिजाइन था, लेकिन उससे भी ज्यादा ओपी था उसका एक्शन। जो टेरर ये एनिमे इतने देर तक लैक कर रहा था वो इग्रिस के आने के बाद एक नंबर पर पहुंच गया। वो संजिन वो को कपड़ों की तरह धो रहा था। एक्शन, एनिमेशन, कोरियोग्राफी, कैमरा एंगल सब कुछ एकदम 10 out of 10 था। लोग इसको जीजेके या डीमन स्लेयर के लेवल पर बता रहे थे जो मुझे काफी एग्जैजरेशन लग रहा था, लेकिन सीजन 1 एपिसोड नंबर 11 को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये एनिमे बेहतर परफॉर्म कर सकती है। ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर राइटिंग, थीम्स, डिजाइंस के हिसाब से ये काफी कम लगता है, काफी वीक लगता है, लेकिन अगर ये एक्शन को भी सही तरीके से परफॉर्म करते हैं तो मानवा के फैंस डिसअपॉइंट नहीं होंगे। वेल, यही कहना था मुझे इस एनिमे को लेकर। अगर तुम ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा क्या सोचना है इस एनिमे को लेकर और कौन कौन से मेरे टेक्स तुम्हें सही लगे हैं, कौन कौन से गलत लगे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं और मैं मिलूंगा तुम लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।